तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में, एक कदम शिक्षा की ओर। आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। किस भारतीय कंपनी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन कोरोफ्लू तैयार करने के लिए अमेरिकी कंपनी फ्लूजेन के साथ समझौता किया है? और यह किया है भारत बायोटेक ने। IMF की बाहरी सलाहकार समिति समूह के रूप में किस भारतीय को चुना गया? और भारत के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी को चुना गया है। COVID-19 के लिए मोबाइल डॉक्टर बूथ किसके द्वारा बनाया गया? और यह बनाया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? और यह मनाया गया 11 अप्रैल को। COVID-19 के इलाज के लिए किस नई थेरेपी का यूज़ किया जाएगा? और यह किया जाएगा प्लाज्मा थेरेपी, जो कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसके ऊपर की गई है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा? और यह रहा है 108वां। पहले पर रही है बेल्जियम। ब्लाइंड लोगों के लिए वर्चुअल कीबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और यह लॉन्च किया है गूगल ने। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है? और यह संन्यास लिया है मोहम्मद सरीम जी ने, और 2007 में इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था। यदि आपने कल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी जानकारी मिलेगी। ICICI लोमार्ड और गो डिजिट ने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किसके साथ समझौता किया है? और यह समझौता किया है फ्लिपकार्ट के साथ। हाल ही में किस IIT द्वारा कम कीमत के पर्सन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाए गए हैं? यह बनाए हैं IIT कानपुर ने। आगे चलें आज के क्वेश्चन की ओर। क्या आप तैयार हैं? आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। किन राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है? और यह लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया मोदी जी के साथ बैठक कर। और यह बढ़ाया है महाराष्ट्र ने, बढ़ाया है तेलंगाना ने, बढ़ाया है और पश्चिम बंगाल ने ही बढ़ाया है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि उड़ीसा बना था पहला राज्य जो कि लॉकडाउन बढ़ाने वाला, और इसके बाद पंजाब ने भी बढ़ा दिया था। और इन्होंने बढ़ा कर कितना किया है? इन्होंने 30 अप्रैल किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो रुक नहीं रहा है, इसी कारण से इन लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हो सकता है देश में भी बढ़ा दिया जाए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? और यह मनाया गया है 12 अप्रैल को। अब यदि आपको पुराने दिवस जो है रिवाइंड हो गए हैं तो आप हमारे साथ रिवाइंड कीजिएगा। 1 अप्रैल को मनाया गया उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जो कि एक बीमारी है, यह मनाई गई 2 अप्रैल को। राज्यसभा स्थापना दिवस 3 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यह मनाई गई 6 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, CRPF शौर्य दिवस। 9 अप्रैल को, यदि आपने कल का वीडियो देखा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए CRPF शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर देख लें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव संसाधन मंत्रालय ने COVID-19 के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? और यह लॉन्च किया है युक्ति के बारे में जानें। इसका फुल फॉर्म रखा है इन्होंने यंग इंडिया कॉम्बिनेशन कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मानव संसाधन मंत्रालय ने एक और कार्यक्रम लॉन्च किया था, भारत पढ़े ऑनलाइन। मानव संसाधन मंत्रालय ने एक पहल भी शुरू की थी समाधान नाम की, और वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजी जैन लॉन्च किया है? और यह लॉन्च किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बारे में जानें। इसके द्वारा ग्राहक घर बैठे ही ऑनलाइन खाता खोल सकता है और पैसों का ट्रांसफर कर सकता है। वर्तमान में इसके CEO हैं अजय कंबल जी, और हाल ही में डोर टू
स्टेप यह सेवा शुरू की थी SBI बैंक ने। COVID-19 के वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसी वजह से यह सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फूड बैंक नाम की एक पहल शुरू की है और यह किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? यह शुरू की गई है मणिपुर द्वारा। और मणिपुर द्वारा शुरू की गई है तो इनके बारे में जानें। मणिपुर के CM हैं वर्तमान में NVN सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला जी। वर्तमान में ओडिशा ने ही हाल ही में 2 कार्यक्रम चलाए थे, मो जीवन मो प्रतिभा, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऑपरेशन शील्ड और 5T ये भी दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए और इनके फुल फॉर्म यदि आपको नहीं पता है तो पुराना करंट अफेयर जरूर देख लें। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन ये चलाया हिमाचल प्रदेश ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गूगल के साथ किस कंपनी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए समझौता किया है? और यह समझौता किया है एप्पल ने जो कि आईफोन बनाती है, इसी एप्पल ने गूगल के साथ समझौता किया है। यह कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ब्लूटूथ तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और इसके द्वारा शायद जो कोरोना प्रभावित लोग हैं उनके ढूंढने में मदद मिल पाए। हाल ही में गूगल ने एक ब्लाइंड लोगों के लिए कीबोर्ड भी लॉन्च किया था। गूगल की बात हुई है तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई जी और एप्पल के CEO हैं टिम कुक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स ने यंगेस्ट विलेनियर लिस्ट जारी की है और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? इसमें पहले स्थान पर रही हैं काइली जेनर जो कि कॉस्मेटिक ब्रांड की हेड हैं, इनके बारे में जानें। फोर्ब्स ने जो है दुनिया की अरबपतियों की लिस्ट भी जारी की गई थी, इसके बारे में भी हमने हाल ही में बताया था। और इसमें सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे जेफ बेजोस, इनके बाद बिल गेट्स जो कि गूगल वाले हैं, जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन वाले हैं और बर्नार्ड अर्नाल्ट और हमारे मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्री वाले, यह रहे 17वें स्थान पर। अब आप फोटो में देख सकते हैं काइली जेनर जी को, यही है कॉस्मेटिक ब्रांड की काइली जेनर जो कि यंगेस्ट मिलेनियर बनी है। आगे चलें। किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को COVID-19 परीक्षण के लिए प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? और यह घोषणा की है अमेजॉन द्वारा। अब अमेजॉन के बारे में जानें। अमेजॉन की स्थापना हुई 1994 में, मुख्यालय है इसका Washington DC में और वर्तमान में हेड है जेफ बेजोस जो कि फोर्ब्स की सूची में पहले नंबर पर हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के ज्वालामुखी में सबसे लंबा विस्फोट हुआ है? और यह हुआ है इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में हुआ है। और इस ज्वालामुखी का नाम जान लेते हैं, इसका नाम है क्रेकटाउ ज्वालामुखी। इसमें बहुत लंबा विस्फोट हुआ है और हाल ही में ही कुछ महीनों पहले माउंट मेरापी जो कि यहीं का ज्वालामुखी है, इसमें भी विस्फोट हुआ है, यह भी अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडोनेशिया की बात हुई है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। अब आपको हम इंडोनेशिया लिए चलते हैं। यह है हमारा भारत और यह भारत से ही यदि आप इस ओर चलें तो यहीं है इंडोनेशिया जो कि आपको इस लाल रंग के अंदर दिख रहा होगा और यहीं है अपना अंडमान निकोबार और इस अंडमान निकोबार का अंतिम द्वीप है जो कि है ग्रेट निकोबार और इधर से ऊपर द्वीप है इनका सुमात्रा इंडोनेशिया का। इसी के बीच से एक रेखा गुजरती है, इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल। यह भी अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, यह आप सबको पता ही होगी। आज का करंट अफेयर यहीं ख़त्म हुआ, आप आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न है अमेजॉन की स्थापना कब हुई और यदि आप संस्थापक का नाम भी जानते हैं तो उनका नाम भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी कोरोना वायरस फैल रहा है, इसके लिए आप जो कर सकते हैं वो यही है कि आप घर पर बैठें, जितना हो सके घर पर बैठें और यदि आपके आसपास कोई भोजन के लिए तरस रहा है उसको भोजन ज़रूर दें, जितना आपसे हो सके उतनी सहायता करें। बाकी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक